ओए किसी ने सलीम को निचोड़ दिया। आदम बांगलाइजा होशियार खबरदार सावधान रहें सतर्क रहें बादशाह अकबर तशरीफ पधार रहे हैं। ये क्या कहा आपने? सावधान रहें सतर्क रहें। आप बादशाह को बुला रहे हैं, जेब कतरे को बुला रहे हैं आप? वो क्या हुआ कि सेम डायलॉग बोल बोल के मोनोटोनस फील हो रहा था। आपको पता है आपकी शक्ल देख देख के भी हमें भी मोनोटोनस फील हो रहा है। एक नई औलाद ही कर ले हम। और वैसे भी सलामत आपकी नाइटी बड़ी अच्छी है। वैसे अपना तारुफ हम करवा देते हैं। हम हैं 500 से ज्यादा जंग जीतने वाले, दुश्मनों को धूल चटाने वाले, कई रियासतों पे हुकूमत करने वाले बादशाह अकबर। और ये हैं सलीम। इतना छोटा इंट्रो आपने हमारा तारुफ कराया, हमारा ओटीपी बताया बावजूद। ये कम से कम थोड़ी तो तारीफ करते, थोड़ी ज्यादा। भाई कम से कम ही की हमने। थोड़ी की, इससे थोड़ी थोड़ी होगी। और वैसे भी काबिले तारीफ हम नहीं है, काबिले तारीफ है हमारे मेहमान। इनकी बातें कीजिए। क्या बात है। खैर आपको पता है हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत फाड़ू चीजें की हैं। ये 2 मिनट में दूध फाड़ के पनीर बना देते हैं। और पहनते पहनते अपना पजामा भी फाड़ देते हैं। बहुत फाड़ू महाराज। क्या है, हमें खोया पसंद है। हाँ इनको खोया इतना ज्यादा पसंद है, एक बार मेले में इनका दादा खोया तो खुशी के मारे इन्होंने खोए की मिठाई बांटी। भाई खोया से याद आया बर्फी। बरेली की बर्फी कितनी कमाल की फिल्म बनाई थी आपने। आपको सच बता रहे हैं, ये फिल्म आज भी कहीं भी अगर चलती है ना, सारे काम छोड़ के हम फिल्म देखने बैठ जाते हैं। हाँ और ये बात दुश्मनों ने भाप ली। अच्छा। और चलती लड़ाई में उन्होंने बरेली की बर्फी लगा दी। ये जंग छोड़ के फिल्म देखने लगे, ये बर्फी में बिजी थे, दुश्मनों ने इनके काजू कतली पे इतने तीर मारे हैं। ऐसे ऐसे तीर मारे हैं कि काजू अलग और कतली अलग हो गया है। ये सब आप यहाँ पर क्यों याद दिला रहे हैं? इतने कमाल के मेहमान आए हैं, इन्हें देखिए। भाई आप लोगों से मिलकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। शहजादे इनकी फोटो हमारी रियासत की अशरफियों पे छपवाई जाए। मेहमान ज्यादा है अब्बा हुजूर। ज्यादा है मतलब 4 तो हैं मेहमान। अरे अशरफी खजाने में सिर्फ 1 बची है ना, सारी आपने लुटा दी। कल एक गोरे चिट्टे लड़के पे उन्होंने 50 अशरफी लुटा दी। नहीं भाई वो डांस बहुत अच्छा कर रहा था इसलिए लुटाना पड़ा। वो श्री वल्ली पर ये वाला जो डांस है ऐसा, ये ओहो इतना खूबसूरती से किया उसने, हमें मजा आ गया। अब्बा हुजूर वो स्टेप नहीं कर रहा था, उसके चप्पल में गोबर लगा हुआ था। वो ऐसे 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 अरे वो गोबर साफ कर रहा था, स्टेप समझ रहे हैं। अरे भाई हम इंसानियत के लिए ये सब करते रहते हैं। अच्छा तो वो गोबर आपने किया था? अरे इंसानियत के लिए हम लोगों की मदद करते रहते हैं। दैट वे अश्विनी जी इतनी अच्छी खूबसूरत प्यारी फिल्में बनाती हैं आप। आप अपनी अगली फिल्म हमारे महल में शूट कीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। ये सब्सिडी देंगे, ये खुद गैस वाली सब्सिडी पे जी रहे हैं। अब्बा हुजूर आप जरा तो लिहाज करिए, कैसी गुर्बत आमेज गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी होने वाली बहू आपके सामने बैठी है और आप ऐसी बात ही। ओह माय गॉड, हमें पता नहीं था अभिलाष जी आप बहू भी बनते हैं। इसी चक्कर में चिनवाए गए ये। अब्बा हुजूर हम जो है सयामी जी की बात कर रहे हैं, आप उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में मुझे अपना अक्स नजर आ रहा है। भाई आंखों में आपको अक्स नजर आ रहा है लेकिन पैरों में सैंडल शायद आपको नहीं नजर आ रहा है। इनकी सैंडल इन्हीं बातों का इंतजार करती है और फिर निकलती है। जापना जापना।
सिपाही, अगर हमसे ये कहने आए हो कि दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया है, तो जाकर उनसे कह दो कि आज हम घर पर नहीं है, सॉरी। और सिपाही, उनसे ये कह दो कि हम डैडी के साथ है, सॉरी। अरे नहीं, मैं जंग की बात नहीं करने आया हूँ, मैं छुट्टी मांगने आया हूँ। छुट्टी? यहाँ पर इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी की पड़ी है? नहीं मिल सकती आपको छुट्टी? अच्छा ठीक है, फिर मेरी जो पगार बाकी है वो दे दीजिए। हैं? कितनी पगार बाकी है आपकी? यही कुछ 20 अशर्फियां। कितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको? वाह वाह। एक काम करिए, आप 2 महीने की छुट्टी दे दीजिए। 2 महीने की छुट्टी? वो तो हम आपको दे देंगे, उसके बदले में आप हमको 2 अशर्फियां देंगे। अब्बा हुजूर, आप बादशाह होके अशरफी मांग रहे, रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ तो रिश्वत होकर क्या हम बादशाह मांग लें? कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, रियासत को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अरे आपकी छुट्टी शुरू हो गई है, निकलिए निकलिए, आप निकलिए, चलिए। छुट्टू अर्चना, हाय। हाय कपिल। हाय। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव व्हाट यू वेयरिंग। कुर्ता ये जाली वाला, उस पर छोटी अन की माला, दिस इज अमेजिंग। माय गॉड, आप सभी रैपर्स को मेरी तरफ से सादर यो। All right, here's the thing. सबसे पहले तो मैं जिनका सबसे बड़ा फैन। I had you. Oh, thank you. I had you. सबसे पहले तो मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बादशाह, he's here. Wow. I swear this is huge. इतने सालों से मेरे मन में बस एक ही सवाल बसा हुआ था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बादशाह जी, आपके हाथी घोड़े ये सब कैसे? बहुत पुराना जोक हो गया है ये। तो बादशाह को देखते ही कहना कि भाई आपके हाथी घोड़े कैसे हैं, सल्तनत कैसी है आपकी, रियासत कितनी पुरानी बात है, कुछ नई बात करो। जैसे कि क्या? जैसे कि बादशाह, मसाले का धंधा कैसा चल रहा है आपका? That this is not done. Huh? I mean compromises कौन नहीं करता? मैंने भी compromises किए आपकी बातें सुन। I hate you. Thank you. लेकिन आपने कौन सी नई बात कर दी? आपने भी तो पुरानी ही बात की है। देखिए बातें वही होती हैं, बस अंदाज़े में बयां और होता है। I'd like to seriously tell you कि आपके बयान से इस वक्त बदबू आ रही है, जाके उसको बदलिए। वो बयान नहीं है, जहाँ से बदबू आ रही है वो बनियान है। बयान और बनियान के फर्क को समझो। जी दैट। क्या है? बातें बयान कर सकते हैं जी, लेकिन बनियान बातें नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बहरहाल अगर बनियान ने बातें करनी शुरू कर दी तो बनियान अपने हक के लिए लड़ेगी कि भाई मैं शर्ट के नीचे क्यों हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? मुझे ऊपर लाया जाए क्या? फिर बनियान को देगा, देखी चट्टी लड़ेगी। अब चट्टी कहेगी कि भाई मुझे भी सुपरमैन की तरह पैंट के ऊपर लाओ, मैं नीचे क्यों? पैंट कहेगी कि मैं शर्ट की जगह आना चाहती हूँ, शर्ट को नीचे लाओ, पैंट को ऊपर। कपड़े अगर आपस में इस तरह लड़ लिए ना तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए कि आपके मोहल्ले में आपका झगड़ा हो गया है, सामने वाला लड़ने आ रहा है और वो चाहता है कि मैं इस आदमी के आज कपड़े फाड़ दूंगा, कपड़े हमारे पास है नहीं, अब वो क्या फाड़ेगा? पहले गाड़ी घुमाती भाई यार, सोचने वाली बात तो है, सोचने वाली बात तो है। अमेजिंग भाई यार। ओह, आई एम रियली रियली सॉरी, रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं सॉरी इन सबको कह रहा हूँ। अगर मैंने वो बनियान वाली फालतूगिरी बात नहीं बोली होती तो आपकी इतनी फालतूगिरी हम लोगों को सुननी नहीं पड़ती। बट एनी वेज, मैं जिस वजह से आया हूँ यहाँ पर, प्लीज लेट्स डू दैट। वो वजह जरा मुझे याद दिलाओगे? वो जो मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना है। ग्रुप में मैं करवा देता हूँ, देखिए प्लीज यहाँ पर खेल गया। अगर आपको अपने ग्रुप में नहला धेला कुछ चाहिए, नहला धेला चाहिए, लड़का अच्छा है। नहीं नहीं, अरे क्या टैलेंट भरा पड़ा है भाई, बताओ बताओ मुझे, बताओ जी। बिल्कुल, मैं आपको बाबूजी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ। एक बार ताली बजा दो इसके लिए। ये
बाबूजी का गाना है। बाबूजी का। बाबूजी। मैं भी आपको बेटे का एक गाना सुना रहा हूँ। Really great. रिपोर्टर आ रहा है, रिपोर्टर आ रहा है। नहीं नहीं रिपोर्टर आ रहा है। All right, I get it. सबसे पहले तो ये आपके कौन से बेटे का गाना है? भाई तुम अगर बाबूजी का नाम लेके कोई भी गाना सुना सकते हो तो मैं बेटे के नाम में उदित नारायण के बेटे का गाना नहीं सुना सकता। भाई मेरे जैसा बनना आसान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आपकी तरह बनना बहुत आसान है। ये देखिए, जिंदगी है तो रास्ते हैं तो मंजिलें, यही सर करते हैं, ये देखिए हो गया। वेरी टैलेंटेड भाई, देख रहे हैं आप। अरे क्या यार, मतलब ये आवाज भी तुमने निकाल ली। oh, yes. कैसे कर लेते हो यार, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है यार। मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। ये क्या यार, एपिसोड में से एडिट करा देना इसका, ये एपिसोड में से हटा देना ब्रो, रखना नहीं है सब। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, ये सब जाके YouTube पे करो, ठीक है? But dad, something for you, कुछ तो आप दीजिए ताकि मैं इन लोगों को सुना था। कुछ मैं तुम्हें देता हूँ। Super cool यार, super cool। ये रहा, ये तुम गाओ लो। Oh, that's amazing. That's amazing. All right, here I go. 5 kilo चीनी, 2 kilo चाय पत्ती, मसूर की दाल, 2 kilo काली दाल। आते आते धनिया लेते आ। ओह डैड, यू दिस इज नॉट डन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।